सभी छात्रों को डॉक्टर प्रमोद शर्मा का नमस्कार। जैसा कि आपको पता है कि आजकल हमारी मुख्य रूप से ऑनलाइन कक्षाओं की प्रक्रिया पूरी तरह प्रारंभ हो चुकी है और इसी क्रम में आज का ये जो एपिसोड है इसके अंतर्गत मैं आपको एमए पूर्वार्ध हिंदी साहित्य का जो तृतीय प्रश्न पत्र है उससे संबंधित चर्चा करूँगा। एमए पूर्वार्ध हिंदी साहित्य का जो तृतीय प्रश्न पत्र है वो जैसा कि आप जानते हैं कि मध्यकालीन काव्य से संबंधित है और मध्यकालीन काव्य के अंतर्गत सूर, तुलसी, बिहारी, घनानंद जैसे जो महाकवि हैं, जो बड़े कवि हैं रीतिकाल के, उनको मुख्य रूप से लागू किया हुआ है। तो देखिए, आज इस एपिसोड में एक मैं छोटी सी संक्षिप्त टिप्पणी आपके सामने करूँगा कि सूर का जो भ्रमर गीत है उसके ऊपर एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न प्राय परीक्षाओं में पूछा जाता है कि सूर के भ्रमर गीत का उद्देश्य क्या है, यानी सूर ने अपने भ्रमर गीत की रचना क्यों और किस लिए की है। तो देखिए, इसका जो मुख्य मकसद है, मुख्य जो उद्देश्य है सूर के भ्रमर गीत का, हम इसका पहले स्मरण रखने के लिए हमारे फंडामेंटल्स को, हमारी मूल अवधारणा को पूरी तरह स्पष्ट रखने के लिए क्या रखेंगे कि सूर का जो भ्रमर गीत है उसका मुख्य उद्देश्य है निर्गुण योग के ऊपर सगुण की विजय दिखाना, यानी निर्गुण योग के माध्यम से एक प्रकार से जो सूरदास है वो सगुण भक्ति की विजय उसमें जो है प्रतिपादित करना चाह रहे हैं। तो हमारे को जो मुख्य रूप से जो ध्यान रखने की बात ये है कि निर्गुण ब्रह्म और सगुण ब्रह्म की जहाँ तक बात है तो सूरदास निर्गुण की अपेक्षा सगुण को ज़्यादा महत्व क्यों देते थे। देखिए, सूर की जो दृष्टि है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस दृष्टि से वो महत्वपूर्ण यह है कि सूर ने सगुण भक्ति का प्रतिपादन क्यों किया, उसका एक कारण है। वो ये मानते हैं कि भाई निर्गुण की जो भक्ति है उसका कोई आधार हमारे पास नहीं होता है, निर्गुण की जो भक्ति है वो ज़्यादा कठिन होती है और सगुण की जो भक्ति होती है वो थोड़ा सहज होती है, आसान होती है, उसमें प्रेम भाव का प्रकट करने की जो स्थिति होती है वो बहुत अधिक उसमें होती है, इसीलिए सहज प्रेम के माध्यम से ईश्वर को आसानी से पाया जा सकता है। देखिए, भक्ति का लक्ष्य जब उन्होंने एक पद लिखा है, बहुत अच्छा पद है उनका, कि अविगत गति कछु कहत न आवे, जो गुंगे मीठे ही फल को रस अंतर गति ही भावे, परम स्वाद सभी सु निरंतर अमित दोष उपजावे, और मन वाणी को अगम अगोचर जो जाने सु पावे, रूप रेख गुण जाति जुगत बिन निरालंब मन चक्रत धावे, ताते सूर सगुन लीला पत्तावे। उन्होंने इसमें अपनी जो सगुण भक्ति है उसके प्रति उनका क्या दृष्टिकोण है, इस दृष्टिकोण का पूरा प्रतिपादन कर दिया कि देखिए अविगत गति कछु कहत न आवे, कि जो निर्गुण ब्रह्म में उसकी जो गति है वो अविगत है, उसको जाना नहीं जा सकता है। कछु कहत न आवे, वो तो कुछ कहने में नहीं आ सकती, क्योंकि निर्गुण ब्रह्म को तो हम क्या कर सकते हैं, केवल अनुभव कर सकते हैं, मन में अनुमान कर सकते हैं, लेकिन जो सगुण भक्ति है वो सगुण भक्ति का एक आधार होता है, उसको भक्त स्वयं अपना आनंद लेने के साथ साथ दूसरों के लिए भी उसका मार्ग प्रशस्त कर सकता है। तो अविगत गति कछु कहत न आवे, जो गूंगे मीठे ही फल को रस अंतर गति पावे, कि गूंगे को मीठे फल का रस पिला दीजिए, गूंगे को गुड़ खिला दीजिए और फिर उससे पूछिए कि भाई मीठापन कैसा लग रहा है, तो वो केवल हाँ हूँ अपने संकेत तो करता रहेगा, लेकिन शब्दों के माध्यम से, अपनी भाषा के माध्यम से, अपने वाणी के माध्यम से उसको किसी भी प्रकार से प्रकट नहीं कर पाएगा। तो निर्गुण ब्रह्म का आनंद तो वही योगी ले सकता है जिसने उसको स्वयं अनुभव किया हो, वो दूसरे को उसके प्रेम के, उसके भक्ति के अनुभव जो है नहीं करवा सकता है, क्योंकि निर्गुण का कोई आधार नहीं होता है। रूप रेख गुण जाति जुगत बिन, न उसके कोई रूप रेखा है, न उसकी जाति है, न कोई क्या है, उसका कोई आधार नहीं है, उसको कैसे प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन सगुण की जो भक्ति है उस सगुण का अपना एक आधार होता है, तो सगुण भक्ति का दृष्टिकोण सूर ने प्रारंभ से ही रखा है। और देखिए, इसका भ्रमर गीत का जो मुख्य कारण रहा है, थोड़ा बहुत संक्षेप में मैं इसको बताना चाहूँगा, अभी फिर अगले एपिसोड में हम इसका थोड़ा कभी विस्तार से व्याख्या करेंगे कि श्री कृष्ण के जो मित्र थे उद्धव, उनको अपने निर्गुण ज्ञान पर, अपने ब्रह्म ज्ञान पर, अपने योग ज्ञान के ऊपर थोड़ा अहंकार होने लग गया था, और कृष्ण ने कई बार उनको समझाया कि भाई जो ईश्वर है, जो भक्ति है, वो कोई भी किसी भी रूप में कर सकता है, सहज प्रेम का उसमें सबसे महत्वपूर्ण स्थान होता है, परंतु जो उद्धव थे वो कृष्ण की इस बात से कई बार सहमत नहीं होते थे और अपने आप को ही सबसे बड़ा भक्त और सबसे बड़ा योगी मान लेते थे। तो कृष्ण ने उपाय सोचा, क्यों ना इनको गोपियों के पास भेज दिया जाए।
और जब उद्धव मथुरा से ब्रज आते हैं गोपियों के पास में आकर के, और अपना जो निर्गुण ब्रह्म का जो ज्ञान है, योग का जो ज्ञान है, गोपियों के सामने प्रस्तुत करते हैं, तो गोपियां किस तरीके से अपने वाक चातुर्य से, अपने वाक वैदग्ध से किस तरीके से पूरी तरह पूरे भ्रमर गीत के अंतर्गत उद्धव को निरुत्तर कर देती है, तो अंत में उनको अपने अहंकार का त्याग करना पड़ता है और गोपियों की प्रेम की भावना को उन्हें स्वीकार करना पड़ता है। तो यही इसी प्रक्रिया को लेकर के सूर ने अपने भ्रमर गीत की रचना की, और वह ये बताना चाहते हैं कि ठीक है, निर्गुण भक्ति अपनी जगह है, निर्गुण का ज्ञान अपनी जगह है, योगी उसका आनंद ले सकता है, ब्रह्म की प्राप्ति कर सकता है, किंतु सगुण का भी अपना एक महत्व है, और सगुण के अंदर सबसे महत्वपूर्ण चीज है प्रेम। यानी प्रेम के माध्यम से ईश्वर को जितनी आसानी से हम प्राप्त कर सकते हैं, उतनी आसानी से हम किसी अन्य मार्ग के द्वारा प्राप्त नहीं कर सकते। तो सूर के जो भ्रमर गीत का उद्देश्य है वो यही उद्देश्य है, निर्गुण ज्ञान योग के ऊपर सगुण की विजय, और सगुण विजय के अंतर्गत प्रेम मार्ग का निदर्शन करना, प्रेम मार्ग के माध्यम से ईश्वर की प्राप्ति कितनी आसानी से हो सकती है और किस प्रकार की भावना एक भक्त के मन में हो जाती है, यही सारी चीज उन्होंने अपने भ्रमर गीत के माध्यम से प्रकट करने का प्रयास किया है और यही उसका महत्व है। धन्यवाद। अगले एपिसोड में मैं सूर के इसी भ्रमर गीत के निर्गुण और सगुण की जो विशेष प्रकार की जो प्रमुख विशेषताएं उनके बारे में चर्चा करूंगा। जय हिंद। धन्यवाद।